आरक्षण को लेकर 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए श्री राजपूत करनी सेना के लोगों द्वारा इंदौर में एक प्रेस वार्ता की गई, जहां उन्होंने होने वाले उपचुनाव के पूर्व अपनी बात रखी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर और जिला अध्यक्ष ऋषिराज सिंह ससोदिया एवं गोपाल सिंह द्वारा कहा गया कि आरक्षण को लेकर देश की सरकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करके मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए विरोध करने का अधिकार भी हमसे छीन रही है। उन्होंने सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि पहले भी सरकार ने SC ST एक्ट को लेकर सामान्य व पिछड़ा वर्ग को प्रताड़ित किया गया और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में लेकर देश में जातिगत गंध कराने की कोशिश की गई। इस दौरान करनी सेना के लोगों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों को चेतावनी दी है कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वह आगामी समय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा में हम लोग जाने नहीं देंगे, हमारी टीमें हर विधानसभा में मौजूद है, तो इसके अतिरिक्त भी पूरे मध्य प्रदेश में इसका हम लोग विरोध करेंगे। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।